देखा जाता है माँ बाप अपने बच्चे की मुस्कुराहट के साथ मुस्कुरा देते हैं जब वो खिलखिलाकर हंसता है तो वो भी खिलखिला देते हैं यही नहीं जब आपके नन्हे की आंखों में आंसू आते हैं तो आपकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं यही सोचिए अगर आपके बच्चे को बुखार हो जाए या फिर काफिया कोल्ड तब आप पर क्या बीतेगी जी हाँ दोस्तों बचपन द जर्नी ऑफ चाइल्डहुड के आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कॉमन चाइल्ड रिलेटेड डिजीजे को तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से आज की हमारी पहली एक्सपर्ट हैं शालिनी अग्रवाल लेट्स वेलकम हम वेलकम शालिनी थैंक यू और आज के हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर संतोष कोंडेकर चलिए उनका भी स्वागत करते हैं वेलकम डॉक्टर वेलकम टू द शो एक्सपर्ट्स सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जो माँ बाप हैं अपने बच्चे के साथ में एक इमोशनल बॉन्ड में जुड़े रहते हैं और कहीं ना कहीं अगर उनके बच्चे को कोई भी तकलीफ होती है तो उस तकलीफ के थ्रू एक माँ बाप जो है पेरेंट्स जो हैं वो भी गुजरते हैं और जब तकलीफ़ की बात करें तो कई सारे कॉमन डिसऑर्डर्स हैं डिजीज़ेस हैं जिससे एक इन्फेंट या एक छोटा बच्चा गुजरता है अक्सर उसे बुखार हो जाता है या काफ़िया कोल्ड हो जाता है तो इसके पीछे बेसिक रीजंस क्या हैं डॉक्टर आपसे जानेंगे जो इनफेंट्स होते हैं अप टू साल के उम्र तक उनके शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होता है तो ऐसे सिचुएशन में वो लोग ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं किसी भी तरह के इन्फेक्शन के लिए या किसी भी तरह के प्रॉब्लम के लिए इसके अलावा बच्चों की सांस की नली ज़्यादातर न्यूबॉर्न्स और छोटे बेबीज़ की सांस की नली काफ़ी नैरो होती है उनके वज़न के हिसाब से जी। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों में बार बार सांस की शिकायत होना या बार बार सर्दी खांसी होना एक तरह से नॉर्मल बन जाता है जी। ऐसा कहा जाता है कि पहले दो सालों में हर साल छः से आठ बार सर्दी खांसी की शिकायत होना इंडिया में नॉर्मल हो सकता है सिमिलरली जब बच्चा खाना चालू कर देता है या बाहर की इधर उधर की चीज़ें बच्चे मुंह में डालने लगता है तो तभी जुलाब जैसी शिकायतें भी चालू हो सकती है तो ये सब चीज़ें जरूर आ जाती है और बच्चा इसके साथ में अपनी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करने लगता है जी। तो कुछ तरह से ये उसके विकास का एक पहलू है हिस्सा है जी। लेकिन हर बार ये सब ऐसा ही होना जरूरी नहीं है कभी क्या होता है कि हमारी तरफ से भी कुछ चीज़ें लैक हो जाती है जो हम बच्चों को उतना प्रोटेक्शन नहीं दे पाते <laughs> ताकि जैसे हम जानते हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी कम हो जाती है तो ससेप्टेबल होते हैं तो हमें ये भी देखना है कि उनको हम क्राउडेड प्लेसेस में ना ले जाए किसी बीमार व्यक्ति के पास ना ले जाए बार बार टेम्पल्स में ना लेके जाए जहाँ पर बीमार व्यक्ति भी विजिट करते हैं या घर में किसी को सर्दी है खांसी है जुलाब है तो बच्चों को बच्चे के पास ना जाए बच्चे के पास ना खांसे हैंड वाशिंग के बगैर बच्चों को टच नहीं करना है mm -hmm. या बच्चों को बिल्कुल किस नहीं करना है क्योंकि ये दोनों में से इन्फेक्शन फैल सकते हैं शालनी जी आप क्या कहें आई टोटली एग्री विद डॉक्टर मेरा पहला बच्चा अमेरिका में हुआ था और uh, जब मेरे फ्रेंड्स हमें हॉस्पिटल में मिलने आए तो एट द एंट्रेंस ऑफ द रूम सैनिटाइजर और uh, सब लोगों ने पहले अपने हाथ साफ किया और फिर ही बच्चे को छुआ

उस पूरी कम्युनिटी को सता रहा है That's true. तो ऐसे मामले में केयर लेना काफी जरूरी बन जाती है ये बात हमें में के भी ध्यान दें आई थिंक फ्रेंड्स एक बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है जैसे जैसे हम इवॉल्व हो रहे हैं वैसे जो डिजीज़ हैं वो भी इवॉल्व हो रहे हैं हमारे बच्चों की इम्यूनिटी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी हमारी हुआ करती थी रीज़न क्योंकि वो पहले से ही पोल्यूशन को एक्सपोज रहते हैं घर में कोई ना कोई सिगरेट ज़रूर पीता है घर में चिमनीज के थ्रू स्मोक आती है आप ए सीज लगाते हैं उसकी वजह से एनवायरमेंट ख़राब हो रहा है और यू वी रेस का एक्सपोजर इतना बढ़ जा रहा है तो कहीं ना कहीं हमें Standardization जो रहता है कि आप अपने बच्चे को किस तरह से सिक्योर रखें ये सबको समझाना बहुत जरूरी है और ये तभी होगा जब अवेयरनेस बढ़ेगी दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और आई थिंक बचपन में हमारा यही काम है ये प्लेटफॉर्म का यही काम है कि हम लोगों को एजुकेट करें उन्हें अवेयर करें कि वो किस तरह से अपने बच्चे के लिए एक सुरक्षित एनवामेंट क्रिएट कर सकते हैं आपने कहा स्मोक या पोल्यूशन तो आई थिंक बच्चा आगे जाके एस्थमैटिक हो सकता है या फिर उसके लंग्स में कोई प्रॉब्लम यू नो हो सकती है आगे जाके तो इस सब डेंजर साइंस और सिम्टम्स जो होते हैं वो माँ बाप को भी काफ़ी हद तक जानना जरूरी बन जाता है क्योंकि बच्चों में छोटे छोटे जो डे टू डे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जैसे बुखार आना सर्दी आना खांसी होना कान दुखना या पेट में दर्द होना या कॉन्स्टिपेशन है या वोमिटिंग है या लूज मोशन ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स हैं हम उसे डेंजरस जोन में नहीं जाना चाहिए या बच्चे को इसका जान का कोई खतरा नहीं होना चाहिए इसके लिए हमें कुछ सीरियस सिम्टम्स के बारे में माँ बाप को जानकारी देनी जो, बहुत जरूरी बन जाती है जैसे सिंपल सी चीज़ है नाक बंद हो जाती है लेकिन सांस अगर ज़्यादा फूलती है या पेट अगर उड़ने लगती है तो ये ज़्यादा छाती के इन्फेक्शन की या दमा का लक्षण हो सकता है जैसे ही उल्टी अगर दिन में तीन चार बार हो जाती है तो शरीर से पानी कम होकर बच्चे को डिहाइड्रेशन हो सकता है लूज़ मोशन ज़्यादा बढ़ने लगते हैं फिर भी बच्चे को डिहाइड्रेशन हो सकता है बुखार अगर कंट्रोल नहीं किया गया वक्त तो उसके साथ में फीट्स वगैरह भी कभी, कभी कभार आ सकते हैं तो ये सब चीज़ें जो है इनके कुछ डेंजरस सिम्टम्स होते हैं जैसे रैपिड ब्रीदिंग ब्लूनेस या कभी कन्वल्जन होना या कभी जॉन्डिस जैसा होना कभी फीडिंग में प्रॉब्लम है या बच्चा फीड नहीं कर पाता है या यूरिन कम पास करने लगा है ये सब चीज़ें अगर होती है तो तुरंत डॉक्टर के सलाह लेनी जरूरी हो जाती है क्योंकि छोटे बच्चों में ये सब का तुरंत उसके शरीर के सभी सिस्टम्स के ऊपर असर पड़ने लगता है आई नो डॉक्टर बहुत सारे सिग्नल्स हैं और बहुत सारे सिम्टम्स हैं जिनके बारे में जानकारी हमारे व्यूअर्स को होनी चाहिए और जिनकी जानकारी हमें उन्हें देना बहुत ज़रूरी है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बट एक छोटे से ब्रेक के बाद दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कॉमन चाइल्ड प्रॉब्लम्स के बारे में और ये भी जानते हैं कि आपके कई सवाल हैं चाइल्ड इम्यूनाइजेशन को लेकर वैक्सीनेशन को लेकर इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के उस पार सो ट्यून वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं बचपन द जर्नी ऑफ चाइल्डहुड दोस्तों ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे चाइल्ड इम्यूनिटी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से बच्चे को सुरक्षित रखा जाए जर्म्स से डिजीज से चलिए अपनी चर्चा को जारी रखते हैं और जानते हैं इम्यूनाइजेशन के बारे में हमारे एक्सपर्ट से डॉक्टर इम्यूनाइजेशन एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है चाइल्डहुड का और वैक्सीनेशन के बारे में कई सारे मिथ्स हैं कई सारे मिसकनसेप्शन हैं कई लोग कहते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कई लोग कहते हैं इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी और हमारे कई एल्डर्स हैं जो कहते हैं कि वैक्सीनेशन आगे जाकर आपके बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स में डाल सकता है तो क्या सही है क्या नहीं बिल्कुल पहले मुझे ये बता दीजिए कि वैक्सीनेशन एक्जैक्टली क्या होता है जी बेसिकली द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन इज कॉल्ड कॉल्डन वैक्सीन जो होते हैं कुछ जंतुओं के घटक से बनाए हुए इंजेक्टेबल या ओरल पदार्थ होते हैं जो हम उन्हीं जंतुओं का इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं तो ये जो वैक्सीन्स है उनका अलग अलग शेड्यूल होता है अलग अलग जंतुओं के लिए और कुछ कुछ वैक्सीन्स लाइफ में एक ही बार देने पड़ते हैं कुछ वैक्सीन्स बार बार देने पड़ते हैं वैक्सीन्स का जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है वो स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो करता है इसका मतलब ये कि उन्होंने उसमें से हार्मफुल घटक बिल्कुल निकाले हुए जाते हैं और वैक्सीन को इसी तरह से सेफ बनाया जाता है कि ताकि वो उन वैक्सीन खाली एक ही काम करे कि उस तरह के जंतुओं का जो नुकसान होने हो, जंतु को शरीर से नुकसान होने वाला है वो ना हो तो इसमें हार्मफुल रहने की कोई बात नहीं है वैक्सीन लगते तो कुछ इंजेक्शन्स है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वैक्सीन बिल्कुल कुछ साइड इफ़ेक्ट्स करे अगर किसी वैक्सीन से ऐसा साइड इफ़ेक्ट लगता भी था या लगता भी है तो गवर्नमेंट या जो अथॉरिटी होती है हेल्थ अथॉरिटी वो इस बारे में बिल्कुल जागरूक रखे उस वैक्सीन को मार्केट में लाने ही नहीं देगी या मार्केट से निकाल भी देगी तो इसी तरह से हमें डरने की बात नहीं कि वैक्सीन्स हार्म कर सकते हैं दूसरी बात है वैक्सीन्स काफ़ी सारे हैं इसका मतलब ये नहीं कि सब वैक्सीन को सबकी ज़रूरत है जी। हर कंट्री के हिसाब से कुछ बेसिक इम्यूनेशन शेड्यूल हर एक कंट्री में बनाया गया है उस हिसाब से नेशनल हेल्थ अथॉरिटी डिसाइड कर लेती है कि दीज जो भी स्पेसिफिक इलनेसेस है ये अपने कंट्री में काफ़ी हद तक है और उनके लिए वैक्सीनेशन कंपलसरी है और कुछ वैक्सीन जो होते हैं उन्हें ऑप्शनल वैक्सीन कहा जाता है जो कंपलसरी वैक्सीनेशन है वो डेफिनेटली कंपलसरी है एंड प्रेफरेबली सभी बच्चों को लेना चाहिए ताकि एज अ होल कंट्री में से वो डिसीज़ कम से कम होता जाए या उसकी वजह से बच्चों की मृत्यु या बच्चों की आयु कम ना हो इसके लिए मृत्यु ना हो या आयु कम ना हो इसके लिए वैक्सीन को हमें देना पड़ेगा जैसे कि इस चार्ट में दिखाया गया है कि कुछ वैक्सीन जो है कंपलसरी है और कुछ वैक्सीन जो है ऑप्शनल है जो कंपलसरी वैक्सीन है उसमें से जो एट बर्थ और तुरंत कुछ दिनों के अंदर बर्थ के दे देना होता है वो है बी सी जी इज जो टीबी से प्रिवेंशन करता है Correct. और पोलियोमाइलाइटिस उसके बाद डेढ़ महीना ढाई महीना और साढ़े तीन महीने के लिए एक एक इंजेक्शन जो कमर में आता है जिसमें हम ट्रिपल का डोज देते हैं जो घटसट पर धनुर्वात और डंगा को से सुरक्षा दिलाता है उसके साथ में हम हेपेटाइटिस बी नाम का भी डोज दे देते हैं जी। उसके बाद जो डोज आता है वो दसवें महीने में जो हम देते हैं जो गोवर के लिए दिया जाता है और उसके बाद पंद्रहवें महीने में जो है वो गोवर और मम्स और रूबेला ऐसा एम नाम का जो डोज दिया जाता है उसके बाद दो बूस्टर डोसेस आते हैं डेढ़ साल और साढ़े चार साल की उम्र के, के हिसाब से जो इस चार्ट में दिखाए गए हैं इसके अलावा जो भी वैक्सीन्स हैं उन्हें ऑप्शनल वैक्सीन कहा जाता है ऑप्शनल वैक्सीन जो है जैसे टाइफाइड है या चिकन पॉक्स का वैक्सीन है या हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन है या स्वाइन फ्लू का वैक्सीन है या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है ऐसे जो भी नया वैक्सीन मार्केट में आ जाता है उसको हम पेरेंट्स को हम चॉइस देते हैं कि अगर लेना है तो लेना है नहीं लेना है तो इट्स ऑप्शन टू दैट

एंड एक्चुअली फ्रीली डिस्कस विद द डॉक्टर्स कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं देना चाहिए नहीं देना चाहिए आई थिंक वैक्सीन बहुत important हैं और वैक्सीनेशन करवाना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी ये बारे में हमें जानकारी लेना और जानकारी देना दोनों बहुत ज़रूरी है ताकि अवेयरनेस बढ़े अब वक्त तो चला है हमारे व्यूअर क्वेश्चन का तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा सवाल क्या है हेलो डॉक्टर मेरी एक साल की लड़की है मैं उसे डायपर यूज़ करती हूँ लेकिन अक्सर उसे ड्रैशिश आ जाते हैं तो वो क्या उसकी मटेरियल की वजह से है उसके लिए मैं क्या करूँ आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है तो इसमें आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? go अ मदर आई फील changes जब बच्चा छोटा होता है mm -hmm. सो so, मेरे तो दोनों बच्चों ने डाइपो पहना एंड आई थिंक दे मैन मेड बेस्ट इन्वेंशन स्पेशली एट नाइट ओके वो सबसे ज्यादा बिकॉज uh, बच्चा अगर गीले नापी में है तो रात में स्पेशली आपको नींद टूटती है ओनली बिकॉज ऑफ द बिकॉज ऑफ वेट बच्चे को भी बहुत प्रॉब्लम होती है वो भी रोता है डॉक्टर आप क्या कहना चाहेंगे मुझे तो बच्चों का कम्फर्ट ही सबसे जरूरी है जी जब तक uh, माँ का कम्फर्ट हर्ट नहीं होता है ठीक है बच्चे का कंफर्टेबल रखें बच्चे को अगर बच्चा comfortable comfortable है तो माँ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है आई <laughs> थिंक जैसे हमने पहले भी कहा है हैप्पी हैप्पी चाइल्ड इज इज इक्वल टू मदर दैट्स द मोस्ट थिंग तो बच्चे का कंफर्ट किस कभी कभी बच्चा कंफर्टेबल भी हो सकता है लेकिन माँ की नींद भी खराब हो सकती है तो इसलिए हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि डायपर एग्जैक्टली क्यों यूज़ करना है उसके रिलेटेड इश्यूज़ क्या है उसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेंगे डायपर्स जो हम दिए जाते हैं बच्चों के लिए वो it should not be used as a daily routine correct it should be used only when mother cannot take care of the child's mm -hmm. uh, cleaning process of the mm -hmm. uh, excretions, excretions and then only you should be able to have it it's, it is preferable if mother can remain awake suppose 12 o'clock 1 o'clock and then night till 12 o'clock fine you do not put diaper till that time as much possible keep the child clean and dry instead of keeping clean and wet वेटनेस कोजेस इन किस मॉइस्चर स्पेशली इन सिटीज लाइक बॉम्बे विच कैन प्रमोट फंगल इन्फेक्शन लेकिन अगर इसमें हो।, हो जाते हैं तब क्या करना चाहिए हर बार डायपर्स की वजह से ही रैश होना ज़रूरी नहीं है <laughs> काफ़ी बार क्या होता है कि डायपर्स जब हम लगाते हैं डायपर्स में यूरिन काफ़ी सोख हो जाता है जा। अगर बच्चा वेट डायपर के साथ कॉन्टैक्ट में फोर आवर्स के ऊपर रहने लगता है सो दैट यूरिन एंड इट्स अमोनिया रिलीज फ्रॉम द यूरिन दैट कॉजेज जिसकी वजह से उसके इस बच्चे के डेलिकेट स्किन को इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसकी वजह से बच्चे की स्किन रेड होने लगती है तो एक कारण है जिसकी वजह से डायपर से प्रॉब्लम हो सकता है दूसरा कारण है कि डायपर के मॉइस्चर की वजह से जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो और तीसरा डायपर को थोड़ा सा टाइट पहनने की वजह से जो क्रीजेस और सोर्स आने लगते हैं वो तो ये तीन तरह के डायपर रैशेस होते हैं जो मदर्स को या पेरेंट्स को ईजिली आइडेंटिफाई करना आसान नहीं है नहीं। तो इसीलिए जब भी डायपर रैश दिख जाती है तो बेटर है कि आप किसी डॉक्टर की सलाह लें और इन तीनों में से जो भी फ़र्क है वो जानने की कोशिश करें उसके बाद ही अप्रोप्रिएट दवा दी जा पाएगी हर एक चीज़ के लिए अगर उसमें एक कारण है कि सपोज यूरिन के अमोनिया की वजह से अगर उसको डर्माटाइटिस या इन्फेक्शन होने लगा है तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को ओपन रखना पड़ेगा और बच्चे को बिल्कुल एवरी टू आवरली डायपर बदलना जरूरी पड़ सकता है अगर वो मॉइस्चर की वजह से है तो एंटी फंगल्स की जरूरत पड़ सकती है जिसको जो फंगस को प्रमोट करता है एलर्जी जो डायपर की वजह से होती है वो उतनी कॉमन नहीं है जितने इन्फेक्शन और डरमाटाटिस कॉमन है आई थिंक शालिनी आपका भी व्यू पॉइंट जानना बहुत जरूरी है आप क्या कहना चाहेंगी अगर डायपर डायपर आई मीन चेंज रेगुलरली करना तो बहुत ही जरूरी है हम ये नहीं कह रहे कि एक डाइपर यू नो एक्सटेंडेड पीरियड तक पहनाएं आई फील जब आप डाइपो चेंज कर रहे हैं इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू अगेन बी वेरी वेरी केयरफुल डायपो आज कल डाइपो चेंजिंग स्टेशन होती हैं बच्चा लाइक टेबल्स जहाँ you know, बच्चों की डाइप बदली जाती है तो वो बहुत ज़रूरी है कि वो डाइपो चेंजिंग जब कर रहे हैं बच्चा यू नो टर्न होता है ट्राइज टू तो रिगल आउट तो इट शुड बी वेरी वेरी सेफ बिकॉज हाइट से जब बच्चा गिरेगा तो उसको लग सकती है सो हैविंग अ सेफ्टी स्ट्रैप जो टेबल होती है उसके अराउंड फोर इंच की अगर रेलिंग हो कि बच्चा डज नॉट रोल ऑफ यू नो वी शुड टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स इवन यू नो वॉल माउंटिंग द सेफ्टी स्ट्रैप ऑन द वॉल लाइक कि आपकी चेंजिंग टेबल ही टॉपल ओवर नहीं हो जाए और मान लीजिए अगर चेंजिंग टेबल नहीं है तो इट्स ऑफ चेंजिंग इट ऑन द बेड अगर आप नीचे लो लाएँ गद्दे पर आप बच्चे को बदल सकते हैं अगर आप नैपी पहना रहे हैं डाइपो लाइनर्स पहना रहे हैं जो भी है अगर आप पहले से ही वो सब चीज़ें वहाँ रखें तो इट बी अ क्विक प्रोसेस फॉर यू एंड द बेबी यू नो एंड कीपिंग द सेफ्टी इन माइंड अगेन ड्यूरिंग अ डाइप चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वी ऑलवेज से सेफ्टी इज़ अटमोस्ट और उसका ध्यान देना हम सभी को ज़रूरी है क्योंकि हम में से कोई नहीं चाहेगा कि मासूम से नाजुक से बच्चे को एक छोटी सी खरोच भी आए डॉक्टर एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है कि अगर डायपर्स ना पहनाए जाए जैसे कि पहले के ज़माने में हुआ करता था तब डायपर्स नहीं हुआ करता थे कॉटन नापीज बनाई जाती थी कपड़े के नापीज बनाई जाती थी आर दे बेटर देन द डायपर्स सी जब अवेलेबल है और सेफ है तो बिल्कुल हम डायपर्स का यूज कर सकते हैं लेकिन कॉटन नैपीज है वो भी प्रॉब्लम तो एक ही है मॉइस्चर होना Correct. तो जब भी वेट होती है अगर आप उसी टाइम पर कॉटन नैपी चेंज करते हैं तो बिल्कुल उसमें भी कोई खराबी नहीं है जरूरी बात यह है कि कॉटन नैपे जो भी है वो बॉयल वाटर में धुले हुई होनी चाहिए और हर बार सूखे होने चाहिए आपको 20 या 25 नैपिस का स्टॉक रखना पड़ेगा हर कॉटन नैपी के अंदर काफी सारा कॉटन रखना पड़ेगा ताकि यूरिन सोख हो जाए और जब भी भी बच्चा रोता है या जब भी भी आपको लगता है कि वेट हो गया है तुरंत बदलना पड़ेगा इट इज़ वेरी गुड टू हैव इवन कॉटन नैपिस बिकॉज दैट विल द चाइल्ड दैट यू पास यू शुड करेक्ट सो दट दैट इज दैट मे बी अर्ली फेज ऑफ टॉयलेट ट्रेनिंग ओके दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने हमें आज शेयर किया हमारे साथ में एक्सपर्ट्स मैं एक चीज़ जानती हूँ कि आपने जो भी छोटी छोटी बातें बताई वो बहुत ज़रूरी हैं जाननी क्योंकि यही छोटी छोटी बातें अगर अनदेखी कर दी जाएं तो आगे जाके एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है एक छोटा सा नापी रैश इन्फेक्शन में बदल सकता है और अगर उसका ध्यान ना दिया जाए तो इट कैन इट कैन लीड टू अ मोर मोर सीरियस प्रॉब्लम सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें एजुकेट कर रहे हैं उन्हें अवेयर कर रहे हैं एंड आई रियली नीड टू थैंक यू फॉर दैट थैंक यू वेरी मच थैंक दोस्तों आज हमने जाना कि आपको आपके बच्चे का कम्फर्ट कितना इम्पोर्टेंट होना चाहिए कभी कभी हम अपने कंफर्ट में बच्चे के कंफर्ट को भूल जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि उसकी नाजुक स्किन के लिए क्या सही है क्या नहीं मैं जानती हूँ आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अस हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है आप हमें ई भी कर सकते हैं मेल एट द रेट केयरवल टीवी डॉट कॉम पे हमारी वेबसाइट है डब्ल्यू 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 डॉट के डॉट कॉम दोस्तों एक एक्सपीरियंस जो सिर्फ और सिर्फ माँ बाप बता सकते हैं कि कितनी खुशी देता है उसे अगर हम शेयर करें वो है बच्चे का पहला कदम जी हाँ दोस्तों बच्चे के पहले कदम के वक्त उसके पहले क्रॉलिंग के वक्त किस तरह से उसका ख्याल रखा जाए इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाले एपिसोड में टिल देन आप अपना ख्याल रखें अपने नन्हे का ख्याल रखें क्योंकि हमें आपकी फिक्र है